अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शोभा सिंह एक बिज़नेस कर रही हूं और उस बिज़नेस को प्रमोट करके औरतों को एम्पावर करती हूं कि किस तरीके से वो घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए वो किस तरीके से पैसा कमा सकती हैं। जब मैं ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उनको बताती हूँ तो कुछ औरतें बोलती हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ही सारा सामान खरीद के लेकर आते हैं, वही सारा कुछ मैनेज करते हैं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। या फिर ज्वाइन करने के बाद वो फ़ोन कॉल उठाना बंद कर देते हैं, मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, परचेसिंग करना बंद कर देते हैं, या ये बोल के फ़ोन रख देते हैं, मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ उन सभी औरतों से, एक पल भर के लिए, क्षण भर के लिए सोचिए, ना तो कोई हस्बैंड है, ना ही कोई आपका मेल दोस्त है, ना ही कोई आपके फादर है, ना ही आपका कोई ब्रदर है। आपको अकेले ही अपने बच्चों को देखना है, उनके खर्चों को मैनेज करना है, अपने घर के खर्चों को मैनेज करना है, और आपको, आपके पास सिर्फ यही एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को छोड़कर जॉब नहीं कर सकती हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिज़नेस कर सकती हैं या कोई व्यापार को स्टार्ट कर सकती हैं। तब किस तरीके से इस बिज़नेस को करेंगी आप, घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, बिना कोई लागत के, है ना? सही सोचा आपने, उस तरीके से करेंगी कि यही एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं पैसों से मेरा घर चलेगा, वो सोचकर आप दिन रात एक कर देंगी। जी हाँ, थोड़ा सा घर संभालते हुए जो भी समय बचता है उस समय में ही दिन रात एक कर दीजिए, तो आपका चार चांद लग जाएंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ बहुत गहरी बात मैंने बोली है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।